एसएमएस ऐप को ओपन करने के बाद अगर आपको इस प्रकार का एरर मैसेज शो होता है, टू यूज मैसेजेज मेक इट योर डिफॉल्ट एसएमएस ऐप, सेट डिफॉल्ट एसएमएस ऐप, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे जो मैसेजेज में जो भी मैसेजेज आया हुआ होता है उसे आप देख नहीं पाते, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को आप फिक्स कैसे करेंगे, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के सेटिंग पे जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद आपको ऐप्स पे जाना है, देन आपको मैनेज ऐप्स पे जाना है, फिर आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है मैसेजेज, ठीक है, MESS, ठीक, मैसेजेज मैंने यहाँ पे सर्च किया और इसे मैंने यहाँ पे टैप कर दिया। टैप करने के बाद आप स्टोरेज पे जाएंगे, ठीक है, देन आप यहाँ पे क्लियर डेटा कर देंगे इसका, ठीक है। क्लियर डेटा करने के बाद आपका एसएमएस डिलीट नहीं होगा या क्लियर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो आपका गूगल क्लाउड पे रहता है, ठीक है। तो आप क्लियर डेटा कर दीजिएगा, देन आप यहाँ पे ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद आप यहाँ से बैक आएंगे। बैक आने के बाद आपको फिर से इस पर टैप कर देना है। टैप करने के बाद, ठीक है, अब आपको यहाँ पे सेट एज डिफॉल्ट पे जब आप टैप करेंगे तो आपको कुछ ऑप्शन दिखेगा। सेट एज डिफॉल्ट पे टैप किया, इसके बाद अब आप यहाँ पे अपने मैसेजेस को सेट एज डिफॉल्ट कर सकते हैं, ठीक है। इससे पहले मैसेंजर यहाँ पे सेट एज डिफॉल्ट था, इसलिए वो प्रॉब्लम आ रहा था, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे सेट एज डिफॉल्ट में मैसेजेस कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने टैप किया और फिर यहाँ नीचे टैप कर दिया सेट एज डिफॉल्ट, ठीक। ये टैप करने के बाद मैंने ओके किया, तो उसके बाद आप देखेंगे कि हमारा जो मैसेजेज है वो अब धीरे धीरे रिट्रीव हो रहा है, ठीक है। देखिए, और जब मैं इसे ओपन करता हूँ ये एसएमएस आराम से ओपन हो रहा है, ठीक है, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।